नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ते सिविल कॉन्टैक्ट। आप हर महीने जीएसटी भरते हैं, तिमाही भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों, जो जीएसटी का मेन उद्देश्य मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं उसकी बात करूंगा कि जीएसटी में जो पैसे लगते हैं वो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है। अगर आपने एक बार जीएसटी ले ली तो आपको हर महीने जीएसटी भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस बात का कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर रहा हूँ कि आप लोगों को जीएसटी जब भरते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपने कहीं पे काम किया, सपोज करना कि आपने 1 लाख रुपए का काम किया, आपकी जीएसटी नंबर है और आपने 1 लाख रुपए का काम किया है और आपने 1 लाख का बिल दिया है। अब उस पे जो आपने 1 लाख का काम किया है उस पे मान के चलते हैं जीएसटी हमारी 18% हो सकती है, या 12 हो या 5 हो, जितनी भी हो उसकी बात अलग है, आप मान के चलना 18% है। अब आपको वो 1 लाख रुपए का जो आपने काम किया है और आपने अगर वो 1 लाख का बिल दिया है तो उस बिल पे आप 18% जीएसटी देते हो, तो वो जीएसटी आपको भरनी पड़ेगी। यानी कि 1 लाख पे 18,000 रुपये आपको सरकार को पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर आपने काम ही नहीं किया तो आपको जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपने मान कर चलो 1 महीने में कोई काम ही नहीं किया, या 2 महीने नहीं किया, 6 महीने नहीं किया, 12 महीने नहीं किया, तो दोस्तों उसके अंदर आपको जीएसटी भरने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने काम नहीं किया। और ये जीएसटी पता क्या है, ये एक टैक्स है हमारी सरकार को देने का। अगर हम जब काम ही नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ पैसा कमाया ही नहीं, तो हम जीएसटी दें क्यों? तो इसका ये रूल है कि आपको कोई जीएसटी नहीं देनी है अगर आपने काम नहीं किया है। अगर आपने काम किया है, वो चाहे 1 लाख रुपए हो, 10 लाख हो या 50 लाख हो, जितने का काम किया है उस पर जितनी परसेंट जीएसटी जो बनती है वो आपको देनी ही होगी। अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें एक और आता है कि जीएसटी में फिर प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों नहीं जीएसटी लेने से मतलब क्यों घबराते हैं, इसका मेन कारण क्या है। जीएसटी का ये जो आपका चार्ज है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कौन सा चार्ज लगता है जीएसटी के अंदर। आपका चार्ज लगता है, पहला आपका जो सीए होता है जो आपकी जीएसटी भरता है वो आपसे चार्ज लेगा, क्योंकि जो चाहे खाली जाए चाहे वो भरी जाए, मतलब चाहे वो आपने काम किया तो भी भरेगा, आपने काम ही नहीं किया और वो खाली जा रही है तो वो भी आपको भरेगा, तो उसका चार्ज तो वो लेगा क्योंकि वो तो आपको काम कर रहा है, चाहे उसका मतलब वो काम करे या ना करे, आप काम करें या ना करें, सीए को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो अपना पूरा काम कर रहा है क्योंकि वो तो अपना प्रोसीजर पूरा कर रहा है, वो तो आपकी जीएसटी भर ही रहा है, तो वो उस चीज़ का पैसा लेगा आपसे। अब वो कितना लेता है वो आप पे डिपेंड कर सकता है, कोई 1,000 ले सकता है, 500 ले सकता है, कोई 100 ले सकता है, वो महीने के हिसाब से जो भी ले या साल में ले जो अलग डिपेंड करता है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपका जीएसटी के अंदर जो सीए लेता है वो चार्ज जरूरी है, वो साल का आप संभाल सकते हो कितना हो गया, लेकिन आपका जो भी आप काम के बारे में जो डिटेल्स है वो आपको मैंने बता दिया है। अगर काम नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं भरनी है, अगर काम है तो आपको जितने का काम किया उस पर जितने परसेंट जीएसटी है वो आपको भरनी ही पड़ेगी।